वेरी गुड मॉर्निंग एट क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह योर इंग्लिश टीचर। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश का गुडविल। ओके, सेक्शन 2 में आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको रीड करना है, समझना है, जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेना है। अबाउट द लेसन देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन who came to a small town and opened a learning center. How she hired the people and children there and did she succeed in her objective? Let's find out together after reading this chapter. क्या बताइए, ये जो स्टोरी है एक वुमन की है, एक लेडी की है, जो कि एक स्मॉल टाउन में आई है और अपना लर्निंग सेंटर या कह सकते कोचिंग सेंटर उसने स्टार्ट कर लिया है। How she hired the people and children देयर, मतलब वहाँ पर उसने क्या लोगों की और बच्चों की किस तरह से हेल्प की, एंड शी सक्सेस इन हिज ऑब्जेक्टिव, और वो अपने उद्देश्य में कामयाब भी रही। लेट्स फाइंड आउट टुगेदर आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, मतलब कि किस तरह से वो सक्सेस हुई, किस तरह से उसने लोगों की हेल्प की, किस तरह से उसने बच्चों की हेल्प की, ये हम जानेंगे इसको पढ़ने के बाद। देर इज अ लिटिल टाउन दैट इज फार फ्रॉम एनी बिग सिटी, एक छोटा सा टाउन है जो कि किसी भी बड़ी सिटी से दूर था। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सिटी पास में होती है, लेकिन यहाँ पे जिस टाउन के बारे में बात हो रही है वो टाउन किसी भी तरह की सिटी है, अगर सिटी से दूर था। इट इज अलोन एंड द ओनली स्कूल इन इट इज वेरी स्मॉल एंड डजंट हैव मच सपोर्ट, सो द पीपल हु लिव इन द टाउन कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन। इसमें इट इज अलोन एंड ओनली स्कूल, यहाँ पे केवल और केवल एक ही स्कूल था जो कि बहुत ही छोटा था और उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इसलिए लोग जो वहाँ पे रहते थे वो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी उन्हें। देर इज अ लिटिल टाउन दैट इज फार फ्रॉम एनी बिग सिटी, इट इज अलोन एंड द ओनली स्कूल इन इट इज वेरी स्मॉल एंड डजंट हैव मच सपोर्ट, सो द पीपल हु लिव इन द टाउन कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन। वन डे अ न्यू लेडी मूव्स टू द टाउन, एक दिन क्या हुआ, एक नई लेडी वहां पे टाउन में आई। हर नेम इज सोनिया, उसका नाम क्या है, सोनिया। शी इज लाइवली ब्रिलियंट पर्सन, वो बहुत ही खुशनुमा बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है। शी ओपन्स अ फ्री लर्निंग सेंटर सो दैट द किड्स हु लिव इन द टाउन कैन गेट बेटर एजुकेशन। उसने क्या किया, एक फ्री लर्निंग सेंटर या कोचिंग सेंटर नॉर्मली कैसे होता है, उसमें पे करना होता है, उसमें रुपए हम लोग को देने होते हैं, लेकिन उसने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टार्ट कर लिया और जिससे कि वहाँ के जो बच्चे हैं उस चीज़ को अच्छी एजुकेशन पा सकें। Lots of young people go to the learning center. बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मतलब लोग वहाँ पर जाने लगे। Sonia is busy all day and has to get a staff to volunteers to help her. मतलब Sonia बहुत ही busy थी and has to get a staff, और उसे मतलब एक staff भी मिल गया, volunteers, जो मतलब volunteers मतलब वो होते हैं जो बिना payment लिए ही समाज सेवा करते हैं, okay, to help her. The kids have a lot of fun and learn many new things for free. बच्चे भी कितने खुश थे क्योंकि उन्हें lots of fun मिलता था और बहुत सारी नई नई चीज़ें free of cost मिलती थी। They even improve their grades at school, और वो स्कूलों में भी अपना ग्रेड मतलब अच्छा करने लगे। Most of the parents in town are thrilled with Sonia's learning center, but one mother, Julie, is not happy. Most of the parents, गांव में जितने भी लोग थे ज़्यादातर मतलब mostly उसके काम से बहुत ही खुश थे, बहुत ही उत्साहित थे, बट लेकिन एक मदर जिसका नाम जूली है इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। जूली इज़ नॉट कन्विंस्ड, जूली कन्विंस्ड नहीं थी, मतलब उसको कुछ डाउट था, क्या डाउट होगा देखते हैं। हु वुड वॉन्ट टू ओपन अ फ्री लर्निंग सेंटर वर्क फॉर फ्री, कौन खोलना चाहेगा एक लर्निंग सेंटर को फ्री में ही, और उसको मतलब फ्री में ही वर्क क्यों करना चाहेगा। जूली वॉन्टेड, जूली को आश्चर्य हुआ इस बात को। सोनिया मस्ट बी अ लायर और अ क्रिमिनल, सोनिया कैसी है, तो झूठी है या फिर मस्ट बी अ क्रिमिनल होगी। शी हैज समथिंग टू हाइड, उसके पास ऐसी कोई चीज़ है जो हाइड कर रही है, वो छुपा रही है। बट हर नेबर्स डिसएग्री, दैट इज नॉट ट्रू दे से, मतलब लेकिन उसके जो पड़ोसी थे वो असहमत थे, वो सहमत नहीं थे कि जूली सही कह रही है। जूली क्या कह रही है, जूली तो कह रही है तो झूठी है या मतलब ये क्रिमिनल है, ऐसे कोई फ्री में नहीं खोलता है, तो वो डिसएग्री हैं उसके नेबर्स उसके पड़ोसी। शी इज़ जस्ट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छे इंसान है। She wants to improve the society for all of us. वो society को improve करना चाहती है हम सबके लिए। Oh no, Julie insists. Julie ने बीच में कहा, Oh no, all people are bad. लोग ज़्यादातर खराब ही होते हैं। You cannot trust anyone.
आप सब पर विश्वास नहीं कर सकते। दिस लर्निंग सेंटर सीम्स टू गुड और टू बी ट्रू, मतलब ये जो लर्निंग सेंटर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा सच्चा मतलब दिखाई दे रहा है। आई नो शी इज़ हाइडिंग समथिंग, मुझे यकीन है, मैं जानती हूँ कि ये कुछ ना कुछ छुपा रही है। कौन? सोनिया। और कौन बोल रहा है? जूली, जो कि एक मदर है। आई एम गोइंग टू राइट टू द टाउन हॉल एंड रिपोर्ट अगेंस्ट हर टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं जो अपने यहाँ का टाउन हॉल है वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है मैं उनको कंप्लेन करने वाली हूँ। किसके बारे में? सोनिया के बारे में। बट जूली नेवर गेट्स अ चांस टू कैरी आउट हर थ्रेट्स। ऑल ऑफ द लोकल पेरेंट्स यूनाइट एंड राइट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट द वेरी नेक्स्ट डे। वो तो कुछ नहीं कर पाई, बाकी लोगों ने एक अच्छा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा। दे एक्सप्लेन द वंडरफुल वर्क सोनिया इज डूइंग एंड द अमेजिंग चेंजेस शी इज हेल्पिंग टू सेंटर इन देयर सोसाइटी। उन्होंने एक्सप्लेन किया जो एक वंडरफुल वर्क था सोनिया का, अमेजिंग चेंजेस जो उनके सोसाइटी में आए थे। सोनिया एंड हर टीम आर ग्रेट विद द टाउन्स चिल्ड्रन। सोनिया और उसकी जो टीम है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है टाउन के चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ। देयर ग्रेड्स एट स्कूल आर इम्प्रूविंग एंड मैनी ऑफ देम वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी। दे नेवर थॉट ऑफ द दैट पॉसिबिलिटी बिफोर। मतलब अब जो बच्चे हैं वो ग्रेडिंग उनकी इम्प्रूव हो रही है और बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले वो ऐसा कभी नहीं सोचते थे। द पेरेंट्स इवन पब्लिश अ लवली लेटर इन द लोकल न्यूज़ पेपर थैंकिंग सोनिया फॉर हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द सोसाइटी। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पहले से ही मतलब लवली लेटर को न्यूज़ पेपर में सुबह ही पब्लिश करा दिया कि जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है सोसाइटी के लिए सोनिया का, उसके बारे में। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी नाउ, द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, द टाउन रेजिडेंट्स एंड ऑफिशियल्स एंड ऑफकोर्स सोनिया। सभी लोग बहुत खुश थे, बच्चे भी, माता पिता, पेरेंट्स भी, जो लोग रहते थे, ऑफिशियल्स भी, मतलब सोनिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। द ओनली पर्सन हु इज़ नॉट हैप्पी इज जूली। सी इज़ ऑलरेडी लुकिंग फॉर समवन एल्स टू से बैड थिंग्स अबाउट सोनिया। वो केवल इसलिए बैठी रहती थी, सोचती रहती थी कोई आए और सोनिया की बुराई करे। बट हर नेबर्स वैल्यू द फ्री वर्क एट दैट सोनिया डजंट रिकग्नाइज दैट शी इज ट्रूली अ पर्सन ऑफ गुडविल। लेकिन उसके नेबर्स ने मतलब उस वैल्यू को माना, उस गुडविल को माना, सोनिया जो काम कर रही थी उसके लिए, कि वो एक गुडविल का पर्सन है। तो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, रीड इट अगेन एंड अगेन और समझिए, समझ में नहीं आने पर पूछना है। थैंक यू।